हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक ब्रांडेड एडाप्टर की सर्किट और एक चाइनीज एडाप्टर की सर्किट, और दोनों में जो डिफरेंस है मैं आपको उस डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। सो आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सो पहले तो मेरे पास है एक चाइनीज एडाप्टर की सर्किट, ये जो है आप लोग ये जो सर्किट है ये आप लोग देखे ही होंगे। स्पेशली ये जो सर्किट है ये सर्किट स्पेशली इस तरह के चाइनीज चार्जर से आता है और इस तरह के चाइनीज एडाप्टर से आता है। सो हर चाइनीज सर्किट ऐसा ही होता है। और दूसरा है एक सैमसंग का एडाप्टर की सर्किट, जो इस तरह की का जो सैमसंग है उसमें आता है। सो पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ पर आकर मैं इसको जूम करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पहले तो है इसका ट्रांसफार्मर। सो यहाँ पर इसका जो ट्रांसफार्मर है ये बहुत अच्छा और गुड लुकिंग है। और ये ट्रांसफार्मर में ये जो एक्स्ट्रा वायर है ये वायर जो फ्लक्स लीकेज है वो जो फ्लक्स लीकेज को रिड्यूस करने के लिए है, जिससे एरर थोड़ा कम होगा। और यहाँ पर देखिए आप चाइनीज एडाप्टर का जो ट्रांसफार्मर है ये जस्ट लाइक ए कपल ऑफ इंडक्शन कॉयल की तरह है, जैसे आप CFL या किसी भी सर्किट में आप देख सकते हो। नेक्स्ट दूसरा जो चीज़ है वो है इसका कैपेसिटर। तो यहाँ पर जो बेसिकली एक ब्रांडेड सर्किट बोर्ड है यहाँ पर बहुत सारा कैपेसिटर आप लोग देख सकते हो और बहुत अच्छे क्वालिटी का है, लेकिन चाइनीज़ में सिर्फ तीनों ही आप देखोगे। और सेकेंड है यहाँ पर ट्रांजिस्टर। सो यहाँ पर देखिए बेसिकली 1 ट्रांजिस्टर दिया गया है और यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर दिया गया है। सो इसके मतलब ये वाला ख़राब है और ये वाला अच्छा है ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर ट्रांजिस्टर का जो क्वांटिटी है ये कम रहेगा तो इसका एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा इससे। सो इसीलिए ये वाला बहुत अच्छा है। नाउ सेकेंड जो मेन डिफरेंस है वो उस आप बैक में पाओगे। सो मेन डिफरेंस है इसमें IC। सो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पर जो ये वाला जो IC है, ये वाला IC असल में इन्फ्रारेड LED का एक IC है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा SMD कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ किया गया है। और जो चाइनीज एडाप्टर है जस्ट कोई भी SMD कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पर एनालॉग कंपोनेंट है। सो बेसिकली ये जो दोनों है डिफरेंस ऑफ चाइनीज एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट में। सो ये दोनों ही बेसिकली 220 वोल्ट और हाई वोल्टेज 1.5 एम्पियर का है, लेकिन इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। सो आप लोग ये वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि जो ब्रांडेड का है इसका एफिशिएंसी इससे बहुत अच्छा है और जो ब्रांडेड सर्किट बोर्ड है ये क्यों अच्छा है इससे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर यूज़ किया गया है और जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत अच्छा है और ये बहुत सारे SMD कंपोनेंट्स है लो पावर लॉस के लिए, और चाइनीज एडाप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली ये वाला वीडियो था मेरा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का, एक ब्रांडेड और एक नॉन ब्रांडेड एडाप्टर के सर्किट में क्या डिफरेंस होती है, जिसके लिए एक ब्रांडेड चार्जर बहुत अच्छा होता है और एक चाइनीज चार्जर इतना भी अच्छा नहीं होता है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल में लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर कीजिए, मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।